नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। लोकसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले और दूसरे चरण के लिए करीब करीब सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यूपी में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार का मुकाबला काफी हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। एक तरफ सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन है तो दूसरी तरफ प्रियंका की एंट्री से कांग्रेस उत्साह में है। भरोसा किसी चमत्कार का है तो वही बीजेपी 2014 के प्रदर्शन को दोहराने की जद्दोजहद कर रही है। उधर उत्तराखंड में पहले चरण में ही पांचों सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा अब तक नहीं हो पाई। जबकि बिहार में हां ना के बीच आखिरकार महागठबंधन की सीटों की आज घोषणा कर दी गई, यानी चुनावी रण सज चुका है। उम्मीदवार चुनावी ताल ठोकने को तैयार हैं लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ मजबूत मोदी की सेना है तो दूसरी तरफ महागठबंधन के महारथी। 2019 की इस लड़ाई में कौन किस पर 20 दिखाई दे रहा है, आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। तो देश में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही, सभी पार्टियां गुना भाग लगाकर उम्मीदवारों को तय कर रही। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार मैदान में ताल ठोकने को तैयार हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया लेकिन कांग्रेस अब तक फैसला नहीं कर पाई। उधर यूपी की 15 सीटों पर बीजेपी एसपी बीएसपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद राजनीति के इसी घमासान को समझने का प्रयास भी करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियों ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहले और दूसरे चरण के लिए करीब करीब सभी दलों ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यूपी, उत्तराखंड और बिहार में सीटों पर फंसा पेंच अब सुलझ चुका है। सबसे बड़े राज्य यूपी के चुनावी महाभारत में सभी दलों ने मैदान में महारथी उतारने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने लंबे इंतजार के बाद पहली लिस्ट जारी की जिसमें सबसे पहला नाम वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी का है। बागपत से सत्यपाल सिंह और जयंत के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान और गठबंधन के उम्मीदवार चौधरी अजीत सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही राज्य में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनावी घमासान के लिए मंच सज चुका है। 15 सीटों पर बीजेपी एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन और कांग्रेस के बीच दिलचस्प सियासी संग्राम देखने को मिलेगा। कई लोग मथुरा के चाह रहे थे कि मैं वापस आऊं, मेरे से बहुत बहुत बोलते रहते थे आप ही को आना है, आप ही को वापस आएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे इस बार आई हूं वापस। मुझे टिकट जो दिया है उसके लिए मैं अमित शाह जी, मोदी जी और जितने भी इस मीटिंग में बैठे थे उन सबको धन्यवाद करती हूं क्योंकि उन्होंने वापस मुझे चुना है। लोकतंत्र की लड़ाई के लिए उत्तराखंड में भी घमासान जारी है। बीजेपी ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं लेकिन कांग्रेस ने अभी उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा है। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण यानी 11 अप्रैल को चुनाव होने हैं। बीजेपी में नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है। बीजेपी को उम्मीद है कि यहां सभी सीटों पर एक बार फिर बीजेपी परचम लहराएगी। उत्तराखंड, टेड़ी गढ़वाल, श्रीमती माया राजलक्ष्मी, गढ़वाल श्री तीर्थ सिंह रावत, अल्मोड़ा श्री अजय टामटा, नैनीताल उधम सिंह नगर श्री अजय भट्ट, हरिद्वार श्री रमेश पोखरियाल निशंक। बिहार में भी महागठबंधन में सीटों को लेकर समझौता हो गया। काफी दिनों से सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ था, लग रहा था कि अब गठबंधन नहीं हो पाएगा लेकिन काफी मंथन के बाद कांग्रेस आरजेडी में समझौता हो ही गया। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में महागठबंधन की सीटों के बंटवारे का ऐलान हो गया। बिहार की 40 सीटों में से 20 सीटों पर आरजेडी, 9 सीटों पर कांग्रेस, 5 सीटों पर रालोसपा और 3 पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा वीआईपी को 3 सीटें और राजद कोटे से 1 सीट CPI-ML को मिली है। किसी दल को फॉर्मेट में तब्दीली का एक अधिकार है और उस अधिकार पर अगर सवाल होगा ना, ये अच्छा नहीं लगता। 9 सीट के साथ साथ एक जो पहला राज्यसभा का सीट वैकेंसी होगा वो कांग्रेस पार्टी को दिया जाएगा। एक तरफ मोदी की सेना तैयार है तो
तो दूसरी तरफ महागठबंधन मोदी को मात देने के लिए अपने महारथी को मैदान में उतार दिया है। अब देखना होगा कि कौन किस पर बीस पड़ता है, जनता किसकी सुनती है और किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट। या तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है, सभी पार्टियां अपना अपना घुड़ा भाग करके उम्मीदवारों को तय करने का काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन कांग्रेस वहां पर अभी भी पिछड़ती नजर आ रही है। जबकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें भी इस बार हैं जहां पर मुकाबला हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। किसकी कैसी तैयारी है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए एनपी सिंह साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए धर्मवीर चौधरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए वीएस दुबे साहब चर्चा में शामिल हैं, जबकि लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रत्न सेन सिंह इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और देहरादून से वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल। बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत धर्मी चौधरी साहब, मैं आपसे ही करूंगा जी। चुनावी मैदान तो सज चुका जी, दावे सभी कर रहे हैं जीत के, लेकिन दावों से इतर तैयारी कितनी पुख्ता है आप लोगों की? देखिए अक्षय जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जिस समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संविधान लिखा था, बहन कुमारी मायावती जी ने उसी समतामूलक समाज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो पहली लिस्ट दूसरी लिस्ट जारी की है, जो फर्स्ट और सेकंड राउंड के प्रत्याशी जारी किए हैं, लिस्ट जारी की है, उसमें मैं आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 के चुनाव के समय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा दिया था, हमने उसी अनुपात में सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो सत्ता प्राप्त हमने की थी, उसी अनुपात में हमने अपने सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें माइनॉरिटीज के लोग भी हैं, जिसमें ओबीसी के लोग भी हैं, जिसमें अपर कास्ट के लोग भी हैं, जिसमें दलित समाज के लोग भी हैं। तो हमारी तैयारी तो पूर्णतः जीत की तरफ बढ़ रही है। और महागठबंधन, मैं आपको बता दूं कि ये जो वोट परसेंट है, आपने भी देखा होगा पिछले चुनावों में, उस वोट परसेंट के आधार पर और किए हुए अच्छे कार्यों के आधार पर हम लोग जो हैं वो निश्चित जो है अपनी पूर्ण तैयारी के साथ में मैदान में उतरे हैं और निश्चित तौर पर हम जीत हासिल करेंगे। सर, जिस वोट बैंक की बात आप कर रहे हैं, 2014 में अगर आपका 22% वोट होने के बावजूद अगर आपकी एक भी सीट नहीं आती है, तो एक सवाल तो इस बात को लेकर उठता है। दूसरा सवाल ये कि जहां पर एक तरफ बहुजन समाज पार्टी बहन जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखकर चल रही है कि 2019 में अगर महागठबंधन की तरफ से सरकार बनती है तो उसकी अगुवाई बहन जी करेंगे, चुनावी ना लड़ने का फैसला कर लिया, डर है क्या हार का? नहीं नहीं, देखिए अक्षय जी, ऐसा है कि बाबा साहब और माननीय काशीराम जी जो जिम्मेदारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देके गए थे, क्योंकि बहन जी जो है वो उनके ऊपर वो सीनियर लीडर है इस महागठबंधन की, और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है महागठबंधन के प्रत्याशियों को पूरे देश में जिताने के लिए, यानी नेतृत्व गठबंधन का, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, और बहन जी समझती है कि अगर अगर जरूरत पड़ेगी तो जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी सीएम बनी थी तब भी वो किसी सदन की सदस्य नहीं थी, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी बात अक्षय जी नहीं है, आप भी राजनीति में सब जानते हैं। गठबंधन का नेतृत्व बहन जी के हाथों में है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इस गठबंधन महागठबंधन का नहीं, पूरे देश की राजनीति का नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी करेंगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि बहन जी इतनी सीनियर लीडर हैं। चलिए, वीएस दुबे साहब हैं, भले ही उनकी पार्टी को आप लोगों ने गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि स्वीकार्यता सभी करेंगे, बिल्कुल तैयार हैं दुबे जी? देखिए अच्छे जी, हम भाजपा वाले तो नहीं है, हम कांग्रेस वाले हैं। तो कांग्रेस की एक निरंतर सैकड़ों सालों से एक परिपाटी है कि हर आदमी को समान रूप से हम देखते हैं जिस रूप में हम अपने आप को देखते हैं। तो राजनीति में, लोकतांत्रिक पद्धति में हर आदमी को नेतृत्व करने का, अपनी दावा पेश करने का अधिकार है,
उससे कोई मना नहीं कर सकता, उसको उससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। कि नहीं, मेरा सवाल आप ये आपको चुनाव के पहले मैं कैसे बता दूं, हमारा नेता और हमारे लिए भी सर्वमान्य और मुझे लगता है देश के लिए भी सर्वमान्य श्री आदरणीय राहुल गांधी जी हैं और वो हमारे नेता और हमें प्रबल विश्वास है कि हम सत्ता में आ जाएंगे। तो ये हमारा क्लेम है, इनका क्लेम है, भाजपा का भी और क्लेम होगा। तो ये चीजें चुनाव के बाद आपको पता चलेगा कि क्या होगा। अभी तो चुनाव स्टार्ट होने दीजिए, स्टार्ट हो गया है, बिगुल बच गया है, लेकिन जनता के बीच में थोड़ा जाने दीजिए, देखिए क्या क्या होता है। बहुत कुछ खेल आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ मुद्दे आएंगे, जनता के मुद्दे आएंगे, आम गरीबों के मुद्दे आएंगे, किसानों का मुद्दे आएंगे, गरीबों और किसानों के मुद्दे तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एयर स्ट्राइक को लेकर एक बार फिर जिस तरह से सवाल खड़ा किया गया है उनके भी मुद्दे आएंगे, कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी एयर स्ट्राइक को भी इसमें लेकर आएगी? मैं आऊंगा। आप ये जो तमाम बातें कह रहे हैं इसमें कितना, रत्न सेन सिंह जी जो बातें अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से कही गई हैं, ये उनकी मजबूरी आप मान रहे हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद तय होगा? मुझसे पूछा रत्न सेन सिंह जी, इसमें मजबूरी शब्द अच्छा जी, देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, आपको भी बहुत बधाई आप लोगों को। और दूसरी बात जो भी आपने कहा कि कांग्रेस के हमारे भाई ने कहा है कि उनकी मजबूरी है, मजबूरी का सवाल नहीं है। देखिए जो जिस दल में काम करता है और जिस दल का पक्ष रखने के लिए बैठेगा वो अपने नेता की ही बात करेगा और ये कोई मजबूरी नहीं होती है, ये तो हमारी विचारधारा का सवाल है। जैसे आप मुझसे पूछेंगे कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, तो मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम लूंगा, श्री अखिलेश जी का नाम लूंगा। अभी जैसे चौधरी साहब ने कहा है वो बहन मायावती जी का नाम लेंगे और कांग्रेस के भाई से पूछेंगे तो राहुल, लेकिन उन्होंने ये दावा किया ना धर्मेंद्र चौधरी साहब ने कि तमाम विपक्षी दलों का हमें समर्थन हासिल होगा, आप लोग ये दावा नहीं कर रहे हैं ना अभी, इसीलिए सवाल पूछा। नहीं, ये कहना उनके अपने उत्साह का मामला है, उनके राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तो उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ऐसा सुन करके निश्चित रूप से उनको एक अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होगी और ऐसा कहना बहुत अच्छी बात है, इसकी कोई आलोचना करना उचित नहीं है। आप लोग कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 37 में से आप पूछ रहे हैं, हमारे गठबंधन का मैं आपको बता देता हूं। सर, समाजवादी पार्टी तो 37 पर लड़ रही है, इसलिए मैंने 37 का सोचा आपसे जवाब ले लूं, बाकी 38 का चौधरी साहब दे देंगे ना? नहीं नहीं, चौधरी साहब 38 का नहीं देंगे। जब आप इस चुनाव के गठबंधन पर बात करेंगे तो मैं पूरे गठबंधन पर बात करूंगा, दो सीटें कांग्रेस की भी हम जीतेंगे और जितनी भी गठबंधन की सीटें हैं उन सीटों में अधिकतम सीटें हम जीत के आएंगे। अगर संख्या की आप बात करेंगे तो मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूं कि 10 से ज्यादा भाजपा उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेगी और बाकी सीटें जो भाजपा ने पूछा आप कितनी जीतेंगे, आप अपनी गिनती नहीं बता पा रहे। चलिए आप कह रहे हैं तो दो सीटें छोड़ देता हूं कि आप कहिए ना कहें कि पूरी की पूरी बात कर रहे हैं, तो 37 में 35 हम जीत के आ जाएंगे। चलिए ठीक, ये दावा आपने किया, कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना, आप चुनावी बेला में आप उतर चुके हैं और कम से कम इतना उत्साह तो होना चाहिए कि आप एक पुख्ता दावा कर सकें कि कितनी सीटें हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन एनपी सिंह साहब, बीजेपी के लिए इस बार की डगर इतनी आसान होने वाली नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती आप उत्तर प्रदेश में किसे देख रहे हैं, सपा बसपा आरएलडी गठबंधन या फिर चुनौती कांग्रेस से भी मान रहे हैं? नहीं, मुझे तो कोई चुनौती लग ही नहीं रही है। चुनौती इसलिए नहीं लग रही है कि सपा 37 सीटों पे, बसपा 38 सीटों पे, 74-75 सीटों पर ये दोनों लड़ रहे हैं। 274 सीट चाहिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, ये टोटल 74 सीटों पर लड़ रहे हैं। 74 सीटों में से 7 या 8 सीट अगर जीतकर ले आएगा इनका गठबंधन तो क्या सरकार बना लेंगे? 74 की 74 सीटों पर भी सरकार नहीं बनती, 200 फिर भी चाहिए। तो इस तरह का दावा करना कि हम सरकार बना लेंगे, गठबंधन किस चीज का है? जिन माननीय नेताजी के टाइम में मुख्यमंत्री उस वक्त बहन मायावती जी थी, उनकी आपने अतिथि गृह कांड देखा होगा, उस वक्त कितनी हत्याएं और कितना करने की प्लानिंग और वो सब चल रहा था। आज उसके साथ गठबंधन करके वो सपना देख रहे हैं। सपा वाले कहते हैं हमारे माननीय नेताजी बनेंगे प्रधानमंत्री, बसपा कहती है बहन मायावती जी बनेंगी प्रधानमंत्री। अभी तक कहीं कोई दूर दूर तक 74 सीटों पर लड़ने के बाद आप प्रधानमंत्री का दावा करें तो मैं इसको बिल्कुल मिथ्या मानता हूं। बीजेपी का अति आत्मविश्वास तो नहीं है एनपी सिंह साहब जी? अति आत्मविश्वास तो नहीं है आप लोगों सर? अति आत्मविश्वास की मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं।
सर, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। इसी प्रैक्टिकल के नतीजे आए थे ना सर, उपचुनाव में बहुत छोटा टाइम था उस वक्त और गठबंधन उस वक्त होकर आया था, हमारी पहले से ये तैयारी नहीं थी। आज हमें टाइम मिल गया, हमने पूरी अपने कामों की लिस्ट जनता के बीच में रखी है, हम लोगों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को चला सकती है। जिस तरह से हमारी सरकार ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है हमारे देश की सेना ने, वो सब लोग जानती, पूरी दुनिया जानती है। इस देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चाहिए, दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। चले ठीक, वो दावा आपने भी कर दिया और दावा तमाम विपक्षी पार्टियां जैसे कर रहे हैं कि इस बार हम ही सबसे बड़ी पार्टी होंगे और सरकार में भी हम रहेंगे। ये दावे खैर सभी के अपने अपने हैं सर, इस पर जनता की मोहर लगेगी, कहां से हो सकते हैं सर। देश में और भी बाकी सीटें हैं, उनसे भी प्रभाव पड़ेगा। और इस बार 73+ का जो नारा आप लोग दे रहे हैं ना, इतना आसान तो नहीं होगा जितना आप लोग मान रहे हैं। आसान नहीं, मैं दोबारा आऊंगा। नीरज कोहली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज कोहली साहब, आप सारे समीकरणों को किस हिसाब से देख रहे हैं? एक तरफ था 2014 का वो चुनाव जो मोदी लहर के नाम पर लड़ा गया था, और इस बार है कि आपने पिछले 5 वर्षों में जो वादे किए थे उनमें से कितने वादे पूरे किए गए, और दूसरा जो तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुटता की बात तो कर रही हैं, कुछ जगहों पर गठबंधन भी हुआ, लेकिन क्या ये छोटे छोटे गठबंधन बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से तैयार आपको नजर आ रहे हैं? सिंह साहब, देखिए कि 2014 से अगर हम तुलना करेंगे 2019 की, तो इस समय जो राजनीतिक समीकरण है बहुत बदले हुए हैं जी। एक तो 2014 में जिस तरह से मोदी मैजिक या कहें कि उस समय बहुत जबरदस्त बीजेपी की लहर चल रही थी, तो उस तरह की लहर तो अब नजर नहीं आती। और रही बात गठबंधन और महागठबंधन, और बार बार एक बात होती है कि एक महागठबंधन और एक गठबंधन, तो गठबंधन तो दोनों तरफ है। एक तरफ बीजेपी का अलायंस है, वो भी बहुत सारी पार्टियां 30 से ऊपर पार्टियां बीजेपी के साथ अलायंस कर रही हैं, और जिसको महागठबंधन कहा जा रहा है उस तरफ भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कांग्रेस की अगुवाई में है। सवाल यह है कि एक तरफ लीडरशिप है और दूसरी तरफ लीडरशिप नहीं है, क्योंकि वहां पर मोदी जी लीड कर रहे हैं और जो विपक्ष का महागठबंधन है वो नेता विहीन कहा जा सकता है अभी, क्योंकि उनके पास कोई लीडर नहीं है। और काफी स्टेटों में जहां जैसे यूपी में सपा बसपा का गठबंधन हो गया और बिहार में कांग्रेस का गठबंधन हो गया, तो कुछ जगह पर गठबंधन प्रोसेस में है, कुछ जगह पर गठबंधन हो गया है। हालांकि आपने जिस तरीके से कहा कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं मतलब अभी जो बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है कई राज्यों में, लेकिन बीजेपी की अगर तुलना करें तो बीजेपी ने अपने अलायंस को काफी हद तक जो है कई जगह पर जाके हमने देखा, बहुत सारी स्टेट्स में जाके बढ़त होते हुए भी कॉम्प्रोमाइज किया है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की बात करें, तो बीजेपी का गठबंधन थोड़ा सा इनसे सशक्त नजर आता है, क्योंकि बीजेपी काफी कॉम्प्रोमाइज करके चल रही है और यहाँ पर अभी सीटों के बंटवारे के लिए काफी जगह पर जो है थोड़ा सा कह दें कि आपसी जो है मनमुटाव चल रहा है और यह बात नहीं बन पा रही है जी, जी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि 2014 जैसी लहर 2019 में नहीं है, क्योंकि 2014 के बाद 2019 में पिछले 5 साल में आपने देखा कि कई राज्यों में चुनाव हो गए, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात में, जिनमें से आप देखेंगे कि 3 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। कर्नाटका में भी वो अलायंस में आई, गुजरात में भी उसने अच्छा प्रदर्शन करा, और जो बाई इलेक्शन हुए इस बीच में, जो 10 पार्लियामेंट के बाई इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी को हार मिली, तो वो लहर तो नहीं है। और दूसरा यह है कि आप एक बेसिक बात मेरे को जो नजर आ रही है आज की दौर में, चाहे वो महागठबंधन की बात करें या बीजेपी के अलायंस की बात करें, कि 2014 के जो जमीनी बुनियादी जो मुद्दे थे वो मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे। जो आप कहें कि रोजगार देने की बात हो, गरीबी की बात हो, या भ्रष्टाचार की बात हो, या कालाधन वापसी की बात हो, जो उस समय जो बड़े एक अपने मैनिफेस्टो में जो बीजेपी ने जो प्रोमिसेस किए थे, जो वायदे किए थे, वो वायदे नहीं नजर आ रहे। और मैं देख रहा हूं विपक्षी पार्टियां भी जो हैं और दूसरे मामलों में उलझी हुई हैं, कोई भी जो जमीन से जुड़े असल मुद्दे हैं वो कोई मुद्दे उठा नहीं रहा है इस समय, जो पब्लिक से, जनहित से, जो सीधा सीधा मतदाताओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट में होने चाहिए, वो सब चीजें नजर में नहीं आ रही है। लेकिन यह है कि चुनाव काफी नजदीक होगा, मतलब जिसे कहा जा सकता है कि 2014 में तो एक बहुत बड़ा गैप था कि एक ऐसी आंधी आई थी मोदी जी के नेतृत्व में जो सबको भाग के ले गई थी, तो वो चीजें नहीं नजर आ रही, चाहे वो यूपी की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, या अदर स्टेट की बात हो। जैसा आपने चर्चा की, सारी तस्वीर गठबंधन तो दोनों तरफ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुटता की बात कर रही थी, क्योंकि जो नजारा कर्नाटक में, माफ कीजिएगा, हाँ कर्नाटक में, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था विपक्षी दलों का,
कि मंच पर तो पूरी एकजुटता दिखाई दी थी, लेकिन वो एकजुटता अगर वाकई में गठबंधन के तौर पर दिखाई देती तो कहीं आपको नहीं लग रहा कि सशक्त और ये महागठबंधन हो सकता था, जो कि अब कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि जो आपने बंगाल की बात कही है, कर्नाटक की बात करी है, और दो तीन जगह पर जिस तरह से जो बात चल रही है सीटों को लेकर, समझौतों को लेकर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई है महागठबंधन के लिए, अगर विपक्ष को उस रणनीति को अपनाना चाहिए था मेरी दृष्टि से, क्योंकि विपक्ष को आप बार बार एक बात कहते हो कि बीजेपी वर्सेस ऑल, तो आप ऑल की तो बात करते हो, आप एकजुटता की भी बात करते हो, लेकिन कई जगह पर जैसे सीटों के बंटवारे की बात आती है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात ले लो आप, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य देश का, और प्रधानमंत्री की जो लिए कुर्सी का जो रास्ता है वो यूपी से निकल के जाता है, तो आप वहां क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं आपसी जो मैंने कहा कि आप सीटों की गणित का ले लो या बड़ेपन और छोटेपन की बात ले लो, तो वो जो 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 चीज बीजेपी दिखा रही है, जो बीजेपी रणनीति दिखा रही है महागठबंधन में, वो विपक्ष में नहीं नजर आ रही, जबकि विपक्ष में वो रणनीति नजर आनी चाहिए। और आपको रणनीति की बात पहले कही जा रही थी एक अम्ब्रेला के नीचे, वो अब चुनाव बेला नजदीक आते आते वो रणनीति दिखाई देती नजर नहीं आ रही है। और खासतौर पर उत्तराखंड का भी हम जिक्र करेंगे कि वहां पर तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस वहां पर पिछड़ क्यों गई? वी एस दुबे साहब, क्या क्या वजह आपको नजर आ रही है? उम्मीदवारों के नाम अब तक क्यों फाइनल नहीं हो पाए? देखिए हमारी पांच लिस्ट, आपको जानकारी होना चाहिए, पांच लिस्ट कांग्रेस की ऑलरेडी आ चुकी है और बीजेपी की पहला लिस्ट आई है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम पांच इनसे दस दिन पहले हमारी पहली लिस्ट आ गई, तो हम तो ऐसे ही आगे चल रहे हैं, पिछड़ने की तो बात ही नहीं है। रही बात स्पेशली अगर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, आप एक दो दिन इंतजार कीजिए, वो भी आपको पता चल जाएगा। नहीं तो कुछ नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी की बात नहीं है, कोई ऐसी संशय की बात नहीं है, आपको जो भी डिटेल है सब कुछ उसमें आपको एक दो दिन में पता चल जाएगा, मे बी कल आज कल तक आपको पता चल जाएगा। हम बात कर रहे हैं चुनावी घमासान की, सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एनपी सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा जी, क्योंकि जो पहली सूची जारी की गई उसमें उत्तर प्रदेश में 6 सिटिंग एमपी के नाम काट दिए गए जी, कहीं दाब उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा आप लोगों के लिए? नहीं, ऐसा दाब उल्टा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट दूसरे आए हैं वो भी हमारे अच्छे कैंडिडेट हैं और उनकी समर्थन से, उनकी सपोर्ट से ही हमारे नेता आए हैं, उन्हीं का टिकट दिया गया है। और अच्छे कटने के पीछे वजह क्या है, यानी पार्टी संतुष्ट नहीं उनके कामकाज से? नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्टी संतुष्ट नहीं है, लेकिन उनसे और अच्छे नेता, उन्होंने अपने नेताओं को खुद आगे लेकर आए हैं, उन्होंने खुद कहा है कि इनको लड़ाइए, उनकी कोई अपनी मजबूरी हो सकती है कि वो नहीं आना चाहते, या उन्होंने अपने से अच्छा कैंडिडेट वहां पर चुना है, तो उनकी मर्जी से, सहमति से ही हमारे कैंडिडेट आए हैं और अच्छा चुनाव लड़ेंगे, और वो चुनाव जितने भी हमारे आए चुनाव जीतेंगे। मैं कहना, विपक्षी पार्टियां तमाम सवाल उठा रहे हैं कि अब विपक्षी पार्टियों के पास कोई नेता नहीं, जो पहली पीढ़ी के नेता थे अब उनको सीधा सीधा बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, पार्टियों के पास कोई नेता नहीं, हमारी गठबंधन हो या पार्टी हो, सबका एक ही नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी। गठबंधन के, महागठबंधन के पास कोई नेता नहीं है। क्या मायावती जी को मुलायम सिंह जी और राहुल जी एक्सेप्ट करेंगे, या राहुल जी को अखिलेश जी एक्सेप्ट करेंगे, या तीनों, या चौधरी अजीत सिंह को राहुल जी एक्सेप्ट करेंगे? कोई भी उनके पास नेता नहीं है आज की डेट में। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना नेता है और एक ही नेता के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, एक ही हमारा नेता होगा, दूसरे जितने भी गठबंधन बनाए जा रहे हैं वो सब मतलब के हैं, वो कब टूट जाएंगे, कब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, कब क्या होगा। सवाल आपकी, कई ऐसी पार्टी के असंतुष्ट नेताओं में जो कि हैं बीजेपी में, लेकिन उनकी भाषा पिछले कुछ वक्त से विपक्षियों से कम नजर नहीं आती, वो अगर आरोप ये लगाते हैं कि पूरी पार्टी पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी कब्जा कर चुकी है, और उसमें पुराने नेताओं की, खासतौर पर जो जिनको ये कहा जाता है कि मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, अब ये माना जाए इस चुनाव में पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी, चाहे अमित शाह जी की बात करें या मोदी जी की बात करें, हमारे सांसदों के द्वारा चुने हुए हैं, हमारे जनता के द्वारा चुने हुए हैं, कोई अपने आप ऊपर से टपका नहीं दिया गया है कि किसी परिवार से आया हो। अडवाणी जी चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार? नहीं, अडवाणी जी के अब 90 इयर्स की एज में आप देखिए ना, 90 प्लस, उनकी सहमति है कि नहीं? बिल्कुल सहमति है, उनकी सहमति से हुआ है। हमारी पार्टी के अंदर कोई ऊपर से टपकाया नहीं जाता कि इस आदमी को भेज दिया गया है, ये दादा नाना की धरोहर है, उसके ऊपर चलना है। हमारी पार्टी के अंदर जनता का चुना हुआ सर, आपकी ही पार्टी के कई नेता, धर्मवीर चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ऐसे सामने आए जिन्होंने सीधा आरोप लगाया कि पार्टी के पुराने नेताओं के, सीनियर नेताओं की कोई तवज्जो नहीं है, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम ले लीजिए आप,
या फिर यशवंत सिंह जी का नाम ले लीजिए, अरुण शौरी साहब का नाम ले लीजिए, तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टियों को नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई भी दल हो। धर्मी चौधरी साहब, देखिए अक्षय जी, जो बीजेपी की जो विचारधारा है ये लोकतांत्रिक लोग नहीं है। जिन लोगों ने पार्टी की स्थापना में अपना खून पसीना बहाया था, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, माननीय अडवाणी जी और बहुत सारे ऐसे लोग, शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो पूर्व में अटल जी की सरकार में भी मंत्री रहे, इन लोगों ने लोकतंत्र की अपनी पार्टी में हत्या करके उनको जबरदस्ती संन्यास में भेज दिया और कहा कि आप चुनाव मत लड़िए। और जो गुजरात से आए हुए लोग हैं जो इस पार्टी पर कब्जा करके बैठे हैं, उन्होंने जो है अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। ये लोग लोकतांत्रिक लोग नहीं है, इनको बाबा साहब के संविधान में, सर मुझे बताइए ना, आप बाबा साहब का लोकतंत्र में कोई रास्ता नहीं है। ये लोग जो है संविधान की दुहाई दे रहे हैं, मुझे बताइए जी, आपकी पार्टी तो एक ही नेतृत्व एक ही विचारधारा की है कि जो बहन जी कहेंगे वही होगा, बाकी किसी नेता की गिनती है क्या पार्टी? अक्षय जी, मुझे पांच ऐसे नेताओं के नाम बता दीजिए। अक्षय जी, बाबा साहब के संविधान के अनुसार हमारी पार्टी चलती है। चौधरी साहब सुनिए, और संविधान के अकॉर्डिंग कोई पार्टी चलती है तो बता दीजिए। बाबा साहब जब संविधान लेकर चले गए थे उसके काफी समय बाद आपकी पार्टी का उदय हुआ। ही नहीं, अमेरिका की फोर्ब्स मैगजीन ने भी महेश कुमारी मायावती को आयरन लेडी का खिताब दिया। अरे चौधरी साहब सुनिए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है और जो पुलिस की भर्तियां हैं, उच्चतम न्यायालय ने बहन कुमारी मायावती और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की थी, किसी सरकार की सुनिए, लेकिन जनता ने नकार दिया। धर्मवीर चौधरी साहब मुझे बताइए, जनता ने क्यों नकार दिया फिर? देखिए, पब्लिक हमारे देश की बड़ी भोली है। अभी ये लोग बीजेपी के लोग टीवी के चैनलों पर आकर के हल्ला मचाने का काम करते हैं। आप इनसे घोषणा पत्र की बात करेंगे तो ये एक जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं तो आपसे आपकी पार्टी का सवाल करूंगा, मैं तो आपका सवाल आपके गठबंधन के साथी से नहीं कर रहा हूं। ये लोग देश को भटका करके, सुनिए ना चौधरी साहब, आप और उसी में लोग बहक गए थे 2014 में। अब किसे आप आइए, अभी आपने पांच राज्यों को चुनाव देखे, सुन तो लीजिए, तीन तीन चौधरी साहब मुझे पहले इस बात का जवाब दीजिए कि एक तरफ आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा और बहन जी के कथन का मतलब पत्थर की लकीर, मानते हैं आप ये? बहन जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं पार्टी का बहुत छोटा वर्कर हूँ और जो माने बहन जी ने स्टेटमेंट दिया है, इससे आप बच नहीं सकते ना, आप ये कहकर पल्ला झाड़ लें कि मैं पार्टी का छोटा सा वर्कर हूँ। नहीं, जो बहन जी ने किया, जो बहन जी ने कहा है वो आपके सामने है, वो स्टेटमेंट पुराना है। मैं कई बार आपके टीवी के माध्यम से बता चुका हूँ, कोई तालमेल नहीं है ना प्रदेश में, कोई तालमेल नहीं है क्या कांग्रेस से? कोई गठबंधन नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए ना, रियायत का मतलब क्या है कि आप उनके लिए दो सीटें छोड़ देते हैं, वो सात सीटें आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, तो इसका क्या मैसेज लोग माने? देखिए, यही तो माने बहन कुमारी मायावती जी का बड़ा दिल है कि आप देखिए कि फिरका प्रस्त ताकतों को हराने के लिए तो सर, और एक सम्मान में ले देने के लिए, खाली में ले सम्मान देने के लिए, ये कोई गठबंधन नहीं है, गठबंधन में ले लीजिए ना। देने के लिए उन्होंने भी कहा, आपने सम्मान दिया, उन्होंने सात सीटों पर सम्मान दे दिया, और बोलिए। लेकिन आप अगर ये सोचें कि ये लोग जो है नूरा कुश्ती का खेल इस देश में करेंगे कांग्रेस और बीजेपी के लोग, तो हमारी पार्टी उसको कभी चलिए बीएस दुबे साहब, मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, जिन सात सीटों को छोड़ने की बात कही गई है वो हाई प्रोफाइल सीटें ही है ज्यादा। देखिए, दो चार चीज में स्पष्ट आपको करना चाहता हूं। देखिए, दो चार मुझे बताइए वहां पर आप लोगों ने भी जैसा वो दो सीटों का सम्मान छोड़ा, वो सम्मान आपने रखा है, या फिर वहां पर आपको लग रहा है कि वहां पर आप लड़ाई में नहीं है? समझ में आता कि आप हमेशा लड़ाने का काम क्यों करते हैं? हमारी सर, हम तो सवाल करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ व्यास दुबे साहब, हम तो सवाल करेंगे ना, आप तो जाइए, आप गठबंधन का हिस्सा बन जाइए। सुनते लीजिए, इसके पहले तीन राज्यों का चुनाव हुआ था, तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में आई, बहुमत की सरकार बनाई और तीनों राज्यों में सरकार स्थापित है, आज आपके सामने है। उस तीनों राज्यों में भी हमारे बहुजन समाज पार्टी से या समाजवादी पार्टी से या किसी और क्षेत्रीय पार्टी से या राष्ट्रीय पार्टी से कोई समझौता नहीं था। रही बात अगर सुन तो लीजिए, दो मिनट सुन तो लीजिए, समर्थन लिया सर, सुन तो लो आप, तो आप चाहते हो बहुजन समाज पार्टी भाजपा को समर्थन दे दे?
आप ही चाहते हो कांग्रेस को ना देखे, तो वही तो पूछा है रिश्ता क्या कहलाता है। आप सुन तो लो दो मिनट देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता का एक आप यही पे यही चैनल के सामने ही इन्होंने एक बयान दे दिया कि इनके एमपी आज के डेट में चुनाव नहीं लड़ना चाहते और किसी और को प्रपोज कर रहे हैं। रुक तो जाइए, दो मिनट सुन लीजिए, पेशेंस रखिए, जब मौका मिलेगा। इट मींस कि जो चुनावी माहौल है इनके अगेंस्ट जा रहा है। बिहार में इनके दो एमपी हमारे पार्टी में शामिल हो गए, बिहार के दो विनिंग एमपी हमारे पार्टी में शामिल हो गए। गठबंधन में सीटों की संख्या बहुत कम आ रही है, अगर वो सीटों की संख्या कांग्रेस के पास ज्यादा होती तो आज इनके बिहार में 50% विनिंग एमपी कांग्रेस में कांग्रेस के टिकट पे लड़ना अभी तो आपने 15 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15-20 सीटों का हाल है, किसी ने 6 एमपी आपका लड़ना नहीं चाहते, 80 सीटों में दुबे साहब सुन तो लीजिए, मैं आपको दवा कर सवालों पर जवाब देंगे तो ठीक है, सीटों में 40 एमपी के चुनाव नहीं लेना चाहते और एक सिटिंग एमपी अभी तक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। मुझे ये तो बताइए ना, इनका मुझे ये बता दे जितिन प्रसाद जी के बारे में संशय खत्म हो गया, क्योंकि पता है बेरोजगारी से नहीं। दुबे साहब आप सवाल नहीं सुनेंगे तो फिर मैं दूसरे मेहमान के पास चला जाऊंगा, आप इधर उधर भागेंगे तो फिर मैं दूसरे मेहमान पास जाऊंगा। आप बताइए, मेरा सवाल ये है कि आपने जो तमाम बातें कही थी बिल्कुल आपको अधिकार है, आपको मैं एक बात और भी ऐड करना चाहता हूँ, मुझे बताइए 44 एमपी है, एक एमपी दिखा दे कि भाजपा में अभी तक शामिल हुआ हो और भाजपा का चुनाव करना चाहता हूँ, लेकिन इनके अभी तक यूपी में एक एमपी सीटिंग, बिहार में 2 एमपी खरीद। सर मुझे बताइए जितिन प्रसाद को लेकर संशय पूरी तरह खत्म माने, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी बात कर रहे हो, मीडिया की फैलाई हुई एक बात है या भाजपा के लोगों के पहले, ये हमारे बराबरी उन्होंने खंडन ठीक से नहीं किया ना, एमपी ने ज्वाइन कर लिया, 2 एमपी बिहार में कर लिया, 6 एमपी ज्वाइन कर लिया। सुनिए तो जो टिकट चुनाव नहीं लगा, आप तो बस ये कहते हैं कि सवाल अगर चुभे तो आप कहते हैं ये तो प्रोपेगेंडा है, सवाल चुभे तो मुझे बता दीजिए, ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर दावा करके जाए और शाम तक सूचना है। अभी रिसेंटली आधा घंटा पहले क्लिपिंग अगर आपके पास होगा तो निकालो, उनका स्टेटमेंट आया था कि पता नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मीडिया के भ्रम पैदा करके एक तरह से पार्टी में विक्षेप पैदा करने की कोशिश कर रही है, सीधे से उनका है स्टेटमेंट है। आपको कैसे पता चल गया जितिन प्रसाद जी जा रहे हैं भाजपा में जा रहे हैं? नहीं, मैंने तो आपसे सवाल किया, मैं आपसे पुख्ता करना चाह रहा था कि कोई सच्चाई है कि नहीं करना चाहते कांग्रेस में, क्योंकि इनमें एमपीओ में भगदड़ मच चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इन पे अप्लाई हो रहा है, इनको पता है कि जीतने वाले नहीं है, इसलिए या तो एमपी लड़ना नहीं चाहता या किसी और को प्रपोज करता है। एक चीज रत्नसेन सिंह साहब, एक चीज आप बता दीजिए कि जो दो रत्नसेन सिंह साहब से मेरा सवाल है, ये जो दो सीटें कहीं कांग्रेस 7 सीटें छोड़ने की बात कर रही है, कहीं उसको इस बात का डर तो नहीं है कि अगर हमने अपना उम्मीदवार उन 7 सीटों पर खड़ा कर दिया तो गठबंधन भी रायबरेली अमेठी में उम्मीदवार उतार दे? इंटरनल पॉलिसी की बात कांग्रेस से पूछेंगे, कांग्रेस की इंटरनल पॉलिसी की बात भाजपा को पूछेंगे? तो सर आप ही लोग तो जवाब देंगे ना, हम क्या आप लोग तो जवाब देंगे, हम तो आप लोग ही तो जवाब देंगे ना, आपको आमंत्रित किस लिए किया है? 73 सीट दुबे साहब मुझे बताइए ना, और लड़ना ना लड़ना, दुबे साहब सुनिए ना, आप ही लोगों से हम सवाल पूछेंगे, आप ही लोग जवाब देंगे, किस पे ना लड़ना चाहते? अरे आप ही लोग तो जवाब दीजिएगा, क्या जवाब इसमें, क्या जवाब चाहते हैं? आप ही लोग जवाब देंगे ना, लड़ना किसी जो जिस पार्टी के प्रवक्ता है, सर हम रिश्ते को समझना चाह रहे हैं, मैं रत्नसेन सिंह साहब आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि क्या इस बात का डर है कांग्रेस को कि जो सम्मान के नाम पर 2 सीटें गठबंधन ने छोड़ी है, कहीं हमने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए तो कहीं ऐसा ना हो रायबरेली अमेठी में भी उम्मीदवार उतर जाए गठबंधन का और वहां पर खेल बिगड़ जाए? अब कांग्रेस पार्टी ने क्या समझ करके किया है तो कांग्रेस के नेता जाने, उनके जो रणनीतिकार होंगे वो जाने, लेकिन अभी हमारे भाई एनपी सिंह जी जो कह रहे थे कि कौन किसको नेता मानेगा, मैं कह रहा हूं आप लोग चिंता मत कीजिए, जब नीतीश कुमार जो आपको खाने से भगा दिए थे उनको आप लोग नेता मान लिए, जब महबूबा मुफ्ती को अपना नेता मान लिए, अटल जी ने वीपी सिंह जी को मान लिया था, यहां तक कि एक समय ऐसा था कि वो ज्योति बसु तक के लिए तैयार हो गए थे, काहे के लिए परेशान है? कौन किसको नेता मानना होगा, जब चुनाव हो जाएंगे तो हम लोग मान लेंगे, परेशान नहीं है। हाँ जब आप उसकी बिल्कुल फिक्र मत किया कीजिए, आराम से मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़िए। लेकिन अच्छा जी एक सवाल है आपके, चूंकि आपने डिबेट टिकट पर करा था तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि एक अभी आप ही के चैनलों में से किसी चैनल ने, मैं नाम भूल रहा हूं, एक सर्वे दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो उत्तर प्रदेश में जी सांसद हैं, उनकी लोकप्रियता का स्तर 10% मात्र है, जबकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का स्तर 50% के आसपास है। मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, हुआ क्या था इस दौरान, ये चर्चा चल गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के
सांसदों का अधिकतम टिकट कट जाएगा, जैसा आप लोगों की बातचीत में भी कई बार आया हम लोगों के साथ, लेकिन जब टिकट डिक्लेयर हुआ है उसमें साक्षी महाराज जैसे व्यक्ति जिन्होंने सीधे सीधे चिट्ठी लेकर के धमकाया था कि अगर मेरा टिकट कट गया तो मैं हरा दूंगा, ये जो टिकट इनका है इसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो दलित सांसद हैं उनका टिकट इन्होंने काट दिया ज्यादातर लोगों का, और जो वैसे सांसद हैं चाहे जिस भी जात बिरादरी के हों जिस वर्ग से आते हों उनका टिकट काटने का साहस नहीं जुटा पाई भारतीय जनता पार्टी। अच्छा जी, मैं बहुत आसानी से बात कर रहा हूं, आपको भी बैठना पड़ता है बार बार, तो मैं एक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं कि जब इनके सांसदों के लोकप्रियता का इंडेक्स 10% है तो उसमें से अधिकतम को रिपीट करने की जो मजबूरी है भाजपा की, असल मजबूरी भाजपा की है कि इनके पास कोई सशक्त उम्मीदवार है ही नहीं। तो मुझे बताइए उनकी, उनकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी क्या? और इनका रत्न से बिल्कुल हमारी ताकत, हमारी ताकत यह है कि इनके सांसदों ने गांव को गोद में लिया, बेईमानी करी। हमारी ताकत यह है कि प्रधानमंत्री ने 100 स्मार्ट सिटी की बात करी और झूठ बोल करके निकल गए। तमौली गांव का हाल देखा है? कि देश तमौली गांव का हाल देखा है क्या? नेताजी ने जिस गांव को गोद लिया था, तमौली है ना शायद, आजमगढ़ का तमौली। देखिए मैं उसी पर तो कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी का जो जुमला था कि एक एक गांव को गोद लेकर के उसको लंदन का गांव बना दीजिए, 100 स्मार्ट सिटी बना करके सबको क्योटो बना दीजिए, ये जो नौटंकी थी जो पिछले चुनाव का 2G 3G 4G जीजा जी, न 2G में कोई गया, न 4G में गया, न 3G में, न जीजा जी कोई जी नहीं गया अक्षय जी, ये टोटल मामला फ्रॉड का है, झूठ का है और इस देश की जनता के को बेवकूफ बनाने का है। तो जो मोदी जी के टीम है ये निश्चित रूप से भयभीत है उत्तर प्रदेश में, इनको पता है कि प्रधानमंत्री तो यहीं से चुन के जाएगा, अब वो प्रधानमंत्री सांसद चुनेंगे और सांसद इनके जीतने की हैसियत में है नहीं। नेताजी ने तो नाम भी बता दिया आपके चैनल पर, नेताजी ने तो नाम भी बता दिया कि कौन चुनकर आना चाहिए, फिर क्या कीजिएगा? नहीं हम तो बहुत, आप इस बात से अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो चाहता हूं कि वो खुशफहमी के शिकार रहें, मैं तो चाहता हूं कि वो बालू में सिर छुपा करके शेर के हमले से बचने का नाटक करें, मैं तो बिल्कुल ऐसा चाहता हूं अक्षय जी, वो बिल्कुल खुशफहमी में रहें कि वो जीत रहे हैं, तभी तो हम इनको बुरी तरह से हरा पाएंगे। और जो इनका अहंकार है, जो जीत का अहंकार, एक बार देखिए, जनरली आप देखिए लोग कहते हैं अरे तो क्या कर लिया, 17 में तो हार गए, 14 में तो हार गए। भैया आप लोग तो हारते ही आए हो जिंदगी भर, आप एक बार ही तो जीते हो भैया, चले आप चले, एक बार जीते समीकरण लगा कर नहीं, ठीक है मैं दोबारा रत्न सेन सिंह साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं वो आप नहीं कह रहे हैं, सभी राजनीतिक दल यही दावा कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। एक नई बात मैंने कही अच्छा जी, एक नई बात मैंने कही है जी, जी। कि जिन सांसदों का लोकप्रियता का इंडेक्स भारतीय जनता पार्टी के 10% है उनको भी टिकट देने के लिए विवश हैं ये लोग, ये इनके कमजोरी और इस संगठन की जो हालत है वो बताने के लिए इतना पर्याप्त है। और मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि यही आधार होगा कि हालत कितनी खस्ता है और कौन डरा हुआ है। इस पर हमारे साथ नीरज कोहली साहब लगातार बने हुए हैं, जितना आसान नीरज कोहली साहब तमाम विपक्षी दलों को लग रहा है या फिर बीजेपी को लग रहा है कि इस बार हम 2014 वाला करिश्मा एक बार फिर दोहरा देंगे, और विपक्ष जो ये बात कह रहा है कि जनता जाग चुकी है और सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन जो बिखराव देखने को मिल रहा है इस बिखराव के बीच में इस बात की संभावनाएं कितनी आपको नजर आती है कि मान लीजिए सरकार बन भी गई तो ऐसी सरकार कितने वक्त तक चल पाएगी? बिल्कुल सिंह साहब, आपने सही बात कही कि अभी गठबंधन और महागठबंधन की बात हो रही थी, तो गठबंधन और महागठबंधन में सिर्फ फर्क है कि नजर आ रहा कि महागठबंधन में अभी भी दरार है और गठबंधन में वो दरार कम नजर आती है, क्योंकि एक तो नेता विहीन है महागठबंधन जो है, और गठबंधन उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो गठबंधन जो बीजेपी के अलायंस वाला गठबंधन है वो थोड़ा मजबूत नजर आता है, महागठबंधन में एक राय नहीं बन पा रही कई जगह पर। और इसलिए वो बात ठीक है कि 2014 वाली मोदी जी की आंधी नहीं है, क्योंकि उसके बाद पिछले 4-5 साल में देश में बहुत सारे राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं बहुत सारी बदली हैं, और ये बीजेपी को भी मालूम है, बीजेपी को भी मालूम है कि उसे महागठबंधन से कड़ी चुनौती मिल रही है, इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ देखो आपने अलग अलग रणनीति पे काम किया, उन्होंने हर राज्य में अलग स्टेप पे कहीं उनको झुकना था तो वो झुक गए,
और कहीं नहीं झुकना था तो वहां नहीं झुके वो, तो वो अपने हिसाब से जो है उन्होंने सीटों का बंटवारा और सीटों पे जो एक आमराय बनाई है वो विपक्ष की रणनीति को देखते हुए बनाई है। एक चीज सिंह साहब मैं कहना चाह रहा था कि अभी यहाँ विचारधारा की बात हो रही थी, बीएसपी के लीडर भी कह रहे हैं, बीजेपी के लीडर भी कह रहे हैं, किस दल की क्या विचारधारा रहेगी। अब विचारधारा आज की डेट में चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबकी विचारधारा एक रहेगी कि किस तरीके से सत्ता पर काबिज होना है। मैं ये बता रहा हूं कि मैं जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव पे कांग्रेस जो है बिल्कुल अपने सत्ता के करीब पहुंच रही थी और लग रहा था कि कहीं बहुमत से कम रह जाएगी, तो मायावती जी ने और अखिलेश जी ने जो है बिना समर्थन जो है बिना शर्त समर्थन उनको देना शुरू के लिए हाथ खड़ा किया था, और वही मायावती और वही अखिलेश जी जो है जब अपनी सीटों के लिए गठबंधन का अनाउंस करते हैं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी सुन रहा था, उनसे पूछा गया था कांग्रेस के अलायंस के बारे में मायावती जी से, तो उन्होंने एक बात कही थी, कहने लगी कि ये बीजेपी की रीतियां और नीतियां और कांग्रेस की बीजेपी की नीतियां एक जैसी हैं, उसने बफोर्स घोटाला किया और इन्होंने राफेल घोटाला किया, तो कांग्रेस से अलायंस का कोई मतलब ही नहीं उठता। आप तीन राज्यों में जब समर्थन देने की बात आती है तो बिना शर्त आप समर्थन देने के लिए तैयार हो जाते हो, और यहां पर आकर जब आप जो है कांग्रेस को कोसते हो तो कैसी विचारधारा रहेगी। विचारधारा तो कोई नहीं है, राजनीतिक स्वार्थों के लिए आपको सत्ता पे काबिज होना है। नीरज कोहली जी जो भ्रम वाली बात कही जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो ने भी कहा और उसके बाद अखिलेश जी का भी ट्वीट आता है कि कांग्रेस 7 सीटें छोड़कर भ्रम फैलाने की कोशिश ना करे हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, तो भ्रम असल में फैला कौन रहा है? 2 सीटें अगर कांग्रेस के लिए गठबंधन की तरफ से छोड़ी जाती हैं तो क्या वो भ्रम नहीं है? अगर कांग्रेस 7 सीटें छोड़ती है तो भ्रम क्या हुआ? क्या आपको नहीं लगा दोनों भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा सिंह साहब की जब से सपा बसपा का गठबंधन हुआ, उसके बाद बीजेपी मोदी जी और योगी जी की जोड़ी, और उसके बाद जब प्रियंका गांधी आगे आई तो उत्तर प्रदेश में उसके उनके आगे आने के बाद ही, फ्रंट फुट पे आने के बाद ही जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी बदलाव देखने को मिला, और नए दिन जो है नए नए बयान और नई नई चीजें निकल के आई। जब से अभी प्रियंका गांधी जी जो चंद्रशेखर से मिलकर आई है उसके बाद से बहुत सारी चीजें बदली है, और अभी भी चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो सीटों के बंटवारे पे कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा और न ही कांग्रेस स्पष्ट कर रही है। तो एक दुविधा की स्थिति जो कहे कि ये उन पे आरोप लगा रहे वो उन पे आरोप लगा रहे, तो दुविधा की स्थिति अभी बनी हुई है। आप अगर जो भी आपका जो समझौता है, जो भी चीजें हैं जो शुरू में आपने कही थी, तो आप उसे स्पष्ट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, तो अभी वो स्थिति क्लियर नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। चौधरी साहब, ये भ्रम की स्थिति आपको नहीं लग रहा है कि असमंजस की स्थिति नुकसान पहुंचा सकती है आपके गठबंधन को? अक्षय जी, बहन कुमारी मायावती जी का स्टेटमेंट आपने देखा, पढ़ा, सुना, माननीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट आपने सुना, पढ़ा, देखा, ये कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट हमारी लाइन है कि हमारा पूरे देश में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है। तो राजस्थान मध्य प्रदेश में बाहर से क्यों सपोर्ट दे रखा है? कोई भी स्टेटमेंट क्लियर कर, मुझे बताइए, क्लियर किया अपना, क्यों बाहर से समर्थन क्यों दे रखा है? कहां पर? मध्य प्रदेश, राजस्थान में। देखिए, जब बहन जी ने उस समय जो समर्थन दिया था वो परिस्थितियां एक भिन्न थी, वो लोकल इलेक्शन था। अब तो भिन्न हो गई ना, आज तो देश का चुनाव, आज देश का सवाल है। इन इन लोगों से, जिन लोगों ने देश पर कब्जा कर रखा है झूठ बोल करके, तो जिस भ्रम की बात आप कर रहे हैं, ये भ्रम फैलाने का फिर आप लोगों पर ही नहीं लगेगा कि आप ही लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं? आपका जो वोटर है वो भ्रमित हो जाएगा। हमारी तरफ से उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस के साथ में कोई सीटों का तालमेल नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, ये बार बार हम आपके चैनल पर बताते हैं। प्रियंका से डर लगता है? क्लियर कर चुकी हैं। प्रियंका से डर लगता है? नहीं, कोई डर किसी से नहीं है। प्रियंका गांधी जी से कोई डर नहीं है। अगर मंदिरों और मस्जिदों में चक्कर लगाने से वोट मिलते तो जो है ये बीजेपी के लोगों को 5 स्टेट हारने नहीं पड़ते, ये तो हमेशा घंटा बजाते रहते हैं मंदिर में बैठ करके। दुबे साहब है ना, दुबे साहब जवाब दीजिए क्या जो चौधरी साहब कह रहे हैं। देखिए, सवाल मंदिर और मस्जिद की बात नहीं है, मंदिर और मस्जिद की बातें तो भाजपा करती है। कांग्रेस मंदिर और मस्जिद को जोड़ने की बात करती है, ना कि तोड़ने की बात करती है। देश को जोड़ने की बात करती है, ना कि देश को तोड़ने की बात करती है। ये तो उनका वाक्य हुआ, लेकिन एक सामाजिक परिपाटी है, एक सामाजिक आस्था है, साथ साथ एक धार्मिक आस्था है, और वो आस्था को निरंतर आदमी को जीने के लिए आगे बढ़ाते रहना चाहिए, एक परंपरा है, और इसमें में कहीं मनभेद और मतभेद वाली क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, और इसका राजनीतिकरण भी नहीं होना चाहिए। इसमें कभी राजनीतिकरण से हमेशा कांग्रेस परहेज करती है और आगे निरंतर भी करते रहेगी। यही हमारी जो सूचक
शब्द है, ये तो यही राजनीति का भी सूचक शब्द होना चाहिए, लोकतांत्रिक परिपाटी भी यही होना चाहिए। ये दावा तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जब चुनावी बेला में, चुनावी बेला की बात नहीं है, चुनावी बोला के पांच साल से मंदिर बताइए, जब तक दूसरे स्टेट में नहीं मस्जिद में जाने का मतलब ही क्या, मतलब जब जब भी हम कहीं जाते हैं कोई पुण्य स्थान पे जाके वहाँ से वहाँ चरण स्पर्श करके फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या वो प्रचार करने गई हिंदुत्व की जो राह कांग्रेस पार्टी पकड़ने की कोशिश कर रही है, हिंदुत्व और नॉन हिंदुत्व की बात नहीं है, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आपको लग रहा है कि बीजेपी जिस रास्ते पर चल रही है उस रास्ते पर चलकर आपको फायदा होगा। अगर प्रियंका जी कोई धार्मिक स्थल पे नहीं जाएगी तो आप कहेंगे कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं, नहीं सवाल इसमें इसमें आप उसमें आप चुनावी महकमे से क्यों देख रहे हैं, जब भी हम कोई चीज की शुरुआत करते हैं शुरुआत कहीं पुण्य स्थान से करते हैं और पुण्य स्थान से उन्होंने किया, इसमें आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं मांगा, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में सवाल उठ रहे हैं, सवाल लोगों के बीच में सवाल क्या, लोग तो चाह रहे हैं चौधरी साहब, तो चाह रहे लोगों की आस्था के विषय है, हमारी आस्था के विषय है, पूरे 130 करोड़ जनता की आस्था के विषय है, चौधरी साहब की तो आस्था का विषय है, चौधरी साहब जवाब दीजिए, हमने हमने कोने जोड़ने की बात कही नहीं चौधरी साहब, सवाल इसकी नहीं है, सवाल प्रचार और प्रसार की भी नहीं है। अच्छा जी, अगर कांग्रेस ने लोगों के हित में पूर्व में उत्तर प्रदेश में इतने अच्छे काम किए होते तो इनको मंदिर मस्जिद घंटा बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, इस घंटे से तो बीजेपी के घंटे से कांग्रेस के घंटे से वोट निकलने वाले नहीं है, इनको ये हकीकत पता है। अब ये लोग जो है लोगों को भ्रमित करके कहीं घंटा बजा रहे हैं, कहीं संघ बजा रहे हैं, कहीं गाय के पीछे भाग रहे हैं, ये इन लोगों की यही परिपाटी है, ये देश के किसानों की बात नहीं करना चाहते, ये दलितों की बात नहीं करना चाहते, ये ओबीसी की बात नहीं करना चाहते, चले सवाल तो ये ना बात नहीं करना चाहते, तमाम मुद्दे घंटे बजाने से थोड़ी देर, ये तमाम मुद्दे गोल है, लेकिन एमपी सिंह एक मिनट लूंगा। अच्छा जी, एक जी दुबे, देखिए रही बात मंदिर और मस्जिद की, मतलब ये नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, आपको मैं एक बता दूं, मंदिर वहां भी है, मंदिर हम उसको भी मानते हैं जहां महात्मा गांधी का स्टैचू है, मंदिर वहां भी मानते हैं जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टैचू है, मंदिर हम उसको भी मानते हैं जहां भीमराव अंबेडकर का स्टैचू है, अगर रास्ते में भीम बाबा साहब भीम का राम, ये परिपाटी है, ये हमारी जन्म से हमें सिखाया गया कांग्रेसियों को, ये ठीक है बिल्कुल, परिपाटी अगर ये है कार्यों की स्वतंत्रता से नारियों की जन नायकों की स्टैचू लगी है, चाहे बाबा साहब अंबेडकर की हो, चाहे भी बेला में आने लगे तो फिर सवाल उठेंगे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का सवाल है, हमारी परिपाटी है, हमें हमें आशा है कि ये जितनी नैतिकता की बात आप कर रहे हैं, पार्टी भी आगे, जितनी नैतिकता की बात आप कर रहे हैं, लोकतंत्र लोकतंत्र इस पार्टी को समर्थन देता है सर, ठीक, लोकतांत्रिक पद्धति का एक पूंजी है, हाँ, हमारे जो कुर्बानी है, जिन्होंने कुर्बानी दिया है, हाँ, जो सेनानी है, हाँ, जिन्होंने देश के लिए रक्षा सुरक्षा समानता के लिए अपनी योगदान दिया है, वही हमारे लिए सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, उसको भगवान मानते हैं, संशय उठता है, और चुनावी बेला के पहले अगर इस तरह की गतिविधियां बढ़ जाती हैं तो फिर सवाल उठता है, और ये सवाल आम जनता के बीच में उठता है। एनपी सिंह साहब, बड़े संक्षेप में जवाब आपसे, प्रियंका का सॉफ्ट हिंदुत्व बीजेपी को नुकसान तो नहीं पहुंचा जाएगा, नहीं, आप सिमट कर कोई नुकसान से नहीं, यहाँ तो नहीं जाएंगे, बीजेपी का कोई नुकसान इसलिए नहीं है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं नहीं है, सपा बसपा का गठजोड़ कहीं नहीं है, आज बसपा जीरो पर है, सपा एक परिवार की 5 सीटें लेकर बैठी है, कांग्रेस केवल 2 सीटें एक परिवार की लेकर बैठी है, वो परिवार से बाहर निकल नहीं सकते और परिवार के बाहर उनका कुछ है नहीं, तो लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि इस बार आप लोगों की 10 सीटें नहीं आने देंगे। अब कार्यक्रम के समापन का भी वक्त हो रहा है, एक फाइनल रिएक्शन में नीरज कोहली साहब आपसे जरूर लेना चाहूंगा, इन्होंने मौजूदा स्थिति की बात जाके सर्वे किया है कि 10 सीटें आएगी, उनको कैसे पता चलेगा, अब तो मतदान थोड़ा सा धैर्य रखिए, मतदान कर रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व में, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, सर मेरा सवाल नीरज कोहली साहब है, प्लीज प्लीज सर, अब टाइम ओवर हो रहा है, चौधरी साहब आपने अपनी पार्टी के लिए वोटिंग कर ली, अच्छे से आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक चौधरी साहब, दुबे साहब, आप तीनों को रोक रहा हूँ, मैं तीनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को रोक रहा हूँ, कितना लोगों को इन्होंने टिकट दिया, ठीक ठीक ठीक, जनता जनार्दन है ना, जनता जनार्दन है ना, आप लोग यही तो कहते हैं, छोड़ दीजिए उनके ऊपर, जनता तय कर लेगी, लेकिन कोहली साहब एक फाइनल रिएक्शन में, ठीक है सर, अब टाइम ओवर हो गया, मैं कोहली साहब एक फाइनल रिएक्शन लेना चाहूंगा, चुनाव दुबे साहब, दुबे साहब ठीक है, आपने अपनी पार्टी का बहुत अच्छे से पक्ष रख दिया, आप किसको वोट दोगे, ठीक है सर, हो गया ना,
कमाल है कोहली साहब, ये नीले पहले सुना देते हैं और चुनाव बाद में लड़ते हैं। सर थोड़ा सा धैर्य रखिए, माइनॉरिटीज के लिए कोहली साहब, अरे सर टाइम अप हो गया, आप फिर मजबूर कर रहे हैं। कोहली साहब मेरा आपसे फाइनल रिएक्शन मैं इस बात पर आपसे लेना चाह रहा हूँ, दावे तो जब तक नतीजे नहीं आ जाएंगे सब यही दावा करेंगे कि छप्पर फाड़ के वोट हमको मिल रहा है और 80 में हो सकता है कि 81 सीटों का दावा भी ठोक दें, तो इस बात में कोई गुरेज भी नहीं किया जा सकता। बीजेपी के लोग कर सकते हैं, ठीक है सर थोड़ा धैर्य रखिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि मौजूदा स्थिति में जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो या सत्ताधारी बीजेपी हो, तैयारियों के लिहाज से और जो उम्मीदवारों की घोषणा जैसे हिसाब से की गई है, हाई प्रोफाइल मुकाबले जैसे हिसाब से खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर देखने को मिल रहे हैं, इन सभी चीजों को आप कैसे आंक रहे हैं? मौजूदा स्थिति में कौन ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है? देखें सिंह साहब, की जहां तक चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से तो मुझे लगता है कि बीजेपी थोड़ा सा लीड कर रही है, जो अलायंस के साथ जो उसके पुराने दोस्त छोड़ के चले गए, फिर नए सिरे से कई लोगों के साथ बीजेपी ने दोस्ती की है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव की दृष्टि से बीजेपी आगे नजर आती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 2014 और 2019 में बहुत बड़ा फर्क आ गया, 2014 जितनी बीजेपी मजबूत नहीं दिखती इसके बावजूद, और 2019 में कांग्रेस जितनी उस समय कमजोर थी, अब कांग्रेस काफी उभर के आई है, सामने आई है, क्योंकि काफी सारे राज्यों में उसको जीत मिली है, तो कहीं ना कहीं संजीवनी है उसके पास, और लगता है कि इन परिस्थितियों में जो है मुकाबला जो है रोचक होने वाला है, भले ही नंबर कोई ज्यादा ले जाए लेकिन लगता है कि मुकाबला कड़ा होगा। चले बिल्कुल, यानी कि तैयारियों के लिहाज से आप कह रहे हैं कि स्थिति बीजेपी के पक्ष में जरूर जा रही है, लेकिन इस बार का चुनाव अन्य पिछले चुनावों के मुकाबले में इस बार का काफी जुदा है, दिलचस्प घमासान देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो अब लोकतंत्र के महापर्व में वोटिंग की घड़ियां धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है, दावे सभी कर रहे हैं और करने भी चाहिए, लेकिन तैयारियों के आधार पर यह समीक्षा की जाती है कि कौन कितनी बढ़त हासिल कर रहा है। हालांकि जनता जनार्दन है, वो ये तय करेगी कि किसकी बातों पर उसे यकीन होता है, और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे कि जनता जनार्दन के दिल में आखिर बसता कौन है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का एक बार फिर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी।